अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं अरेबिक शवारमा। शवारमा तो मैंने आपको बहुत से बनाना सिखाया, आप सर्च कर सकते हैं किचन विद आमना में जाके, शवारमा शवारमों की लाइन है, बहुत से ऐसे शवारमे। लेकिन आज हम बनाएंगे अरेबिक शवारमा, जिसे हम बनाएंगे पीटा ब्रेड से नहीं, जिसे हम बनाएंगे टोटिया ब्रेड से। और ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी है ना कि मैंने पहले ट्राई किया और मैंने सोचा क्यों ना अब आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक ब्रेस्ट चिकन का लिया, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है, लंबे लंबे पतले पतले, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ग्रिल करना है। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, दही लेंगे हम 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप मत डालें, ठीक है। लहसुन पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो लहसुन का पेस्ट ले लें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून और ऑयल लेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको मजे मजे की रेसिपीज मिलेंगी। वैसे भी मेरे चैनल पे 1000 से ज्यादा रेसिपीज हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर तरह की रेसिपीज मिल जाएंगी। चिकन में हम डालेंगे दही, लहसुन पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पेपरिका पाउडर और ये ऑयल 2 टेबलस्पून। चलें अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम चिकन पर लगा देंगे। चलें तो सारा मसाला हमने चिकन पर लगा दिया, अब इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो अब हम यहाँ पे शवारमा सॉसेस रेडी करेंगे। तो मायो सॉस रेडी करनी है हमने, मतलब शवारमा की जो होती है मायो गार्लिक सॉस और साथ में चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लिए 1/2 कप, मायोनीज लिया है 1/2 कप, सिरका लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, ओरिगानो लिया है 1/2 टीस्पून, तिल का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून। तिल का पेस्ट हमने सिंपल सा तिल लिए और साथ में उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको पेस्ट बना लिया ग्राइंडर में डाल के। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, क्योंकि हम 1/2 1/2 इसमें डालेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। तो चलिए आप रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मायो वाली सॉस रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे मायोनीज में तिल का पेस्ट और इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहें आप फ्रेश लहसुन का, मतलब फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं क्रश करके, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सिरका और ये काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाजार में आप जाते हैं ना, शवारमा सॉस बड़ी मज़े की होती है, तो वो यही होती है, बस ये होता है कि उन्होंने थोड़ी सी पतली की होती है। तो ये देखिए मायो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम गार्लिक सॉस रेडी करते हैं, चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सी टोमेटो केचप है और मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, थोड़ा सा सिरका और ओरिगानो पास, और इसको मिक्स कर लेंगे। चलें ये सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है और मायो सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो दोनों शवारमा सॉसेस हमारी रेडी हैं। तो ये देखिए दोनों शवारमा सॉसेस हमारी रेडी हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रिल पैन लिया, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ग्रिल पैन हो, आप पैन में भी बना सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं। तो अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और ग्रिल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, कि ग्रिल अच्छे से गर्म हो जाए, और इसे ब्रश करेंगे ऑयल को। तो यहाँ पे ग्रिल हो रही है गर्म, ग्रिल पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ये चिकन के पीसेस इस पर रखते जाएंगे। तो बस इसे ग्रिल होने देंगे, एक साइड से ग्रिल होगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए जबरदस्त सा ग्रिल हुआ है चिकन। तो चिकन यहाँ पे हमारा ग्रिल हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको साइड पे कर देंगे।
तो अब हम ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे जिसे हमने ग्रिल किया। देखिए चिकन कितना अच्छा ग्रिल हुआ है, कुक हुआ हुआ सारा। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो सारे चिकन को हमने पीसेस में काट लिया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलें, तो ये देखिए चिकन भी रेडी है और यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स भी ले लिए हैं। तो वेजिटेबल्स से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और काली मिर्च क्रश करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं वेजिटेबल्स में हमने क्या क्या लिया है। शिमला मिर्च लिए हमने एक अदद प्याज लिया है, एक अदद टमाटर लिया है बीच निकाल के छिलके के साथ, एक अदद खीरा लिया है और बंद गोभी ली है। जैसी जौन सी वेजिटेबल आपके पास है आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उनको मैंने लंबाई में काट लिया, जिस तरह आप काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। हाथों को मैंने इसी तरह से धो लिया, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो लेमन भी कर सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इससे होगा वो थोड़े से टेस्टी टेस्टी से हो जाएंगे। तो आप चाहें तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सिरका पहले से डाल के रख दिया था, तो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें सिरका डाला है। तो इसे सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैलेड हमारा रेडी है, ठीक है। और अब हम अपने शवारमे रेडी करते हैं। तो ये देखिए इस शवारमे में फ्रेंच फ्राइज भी जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच फ्राइज तो मैंने आपको काफ़ी बार बनाना सिखाए, सिंपल से बच्चों बच्चों को आते हैं। तो ये मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए थे, तकरीबन मैंने 4 आलू लिए और उनको फ्राई कर लिया, ठीक है। तो ये भी हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने टोटिया ब्रेड्स लिए हैं हस्बैंड जरूर। टोटिया ब्रेड्स की रेसिपी मैंने आपको काफ़ी बार बनाना सिखाई हुई है, आप सर्च करें होम मेड टोटिया ब्रेड की रेसिपी, आपको इजीली मिल जाएगी किचन विद आमना में। तो चलें अब हम शवारमा रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम एक टोटिया ब्रेड लेंगे। तो सबसे पहले टोटिया ब्रेड पे हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस जो आपके सामने मैंने रेडी की है। चलें, और उसके बाद हमने मायो सॉस, ये भी आपके सामने रेडी की है। चाहे तो आप चिली गार्लिक सॉस और मायो सॉस को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग लगानी है, ठीक है। चलें भाई, तो ये दोनों लग गई। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सैलेड जो हमने आपके सामने रेडी किया है। चिकन और ये फ्रेंच फ्राइज हो गया, और इसके ऊपर फिर से हम ये मायो सॉस डालेंगे। चलो, और अब इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरह हमने इसको रोल करना है, ये देखते जाएं आप, ठीक है। तो ये एक रेडी हो गया, इसी तरह हम सारे करेंगे और बाद में हम इन्हें ग्रिल करेंगे। तो सारे शवारमास रेडी हैं, अब इन्हें हम ग्रिल कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ग्रिल को। तो ग्रिल पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो बस इनकी साइड चेंज करेंगे अब। अब इनको हम प्रेस करेंगे हल्का सा। चले फ्लेम ऑफ करते हैं और इनको डिश में निकालते हैं। चले, तो ये रेडी है। तो सारे शवारमे रेडी हैं। एक शवारमे को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें जबरदस्त सा हमारा, तो ये लीजिए तैयार है जबरदस्त से हमारे अरेबियन शवारमे। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो अगर आपको ये अरेबिक शवारमे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन नामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ नामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।